कभी हताश नहीं होना है। ध्यान से सुन लीजिए बातों को हमारे, आप लोग बैठ जाइए सर। हाँ, पद ग्रहण करिए आप सभी लोग अपना, किस नजर बैठ जाइए। ध्यान से सुनिए बातों को, आपको रिजल्ट से कभी हताश नहीं होना है। ये रिजल्ट आपको बस ये दिखाता है एक रास्ता कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल है। रिजल्ट कभी आपको ये नहीं करता है कि आप इसको देखिए और फिर परेशान हो जाइए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दीजिए। ये आपको आगे का चुनौती और रास्तों को बताता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आज आप इस छोटे से एग्जाम में विफल होते हैं, क्योंकि आपके गांव के दो चार एरिया का ही लेवल का एग्जाम है, बहुत दूर से इसमें बच्चे नहीं आए थे, आपके ही क्षेत्र के बच्चे थे, तो अगर इनमें आप कम्पटीट नहीं कर पा रहे हैं तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। अपने पढ़ाई को सुधारिए और कंटिन्यूअस जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना देखिए, नहीं तो ऐसे ही छोटे मोटे एग्जाम में दो चार दस बार जब लगातार आप विफल होंगे तो समस्याएं आपके साथ खड़ी हो जाएंगी, आप फिर पढ़ना छोड़ सकते हैं। इसलिए प्रयास करिए कि अगली बार ना हो तो अगली बार, क्योंकि जो इस बार 11वीं और 10वीं का छात्र है वो कहीं ना कहीं फिर से 12 में जाएगा, अगली बार 10 वाला 11 में जाएगा, तो वो जस्ट वर्ग में ही रहेगा, क्योंकि जस्ट वर्ग में 10 और 11 और 12 के ही बच्चे आते हैं। तो आप मेहनत करिए और सोचिए कि हमेशा इसी तरीके से आपका रिजल्ट बनता रहे। और पढ़ाई का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि एक निर्णय लेकर, एक डिसाइड कर कि कैसे पढ़ना है। दो शर्तें होती हैं पढ़ाई की। पहला शर्त ये होता है पढ़ाई का कि आप उन कामों को सबसे पहले करिए कि पढ़ाई से रिलेटेड उन कामों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है उसको टिक लगाइए, उसको रोज पढ़िए। और दूसरा काम है रिवीजन। आप मुख्य चीजों को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद तीसरे दिन उसको रिवीजन करिए। हर तीसरे दिन, दूसरे दिन जब भी आपको मौका मिले पढ़ी हुई चीजों को रिवीजन करिए, समय निकालिए उसके लिए। सुबह एकदम उठते टाइम एक डायरी बनाइए छोटा सा, उसमें लिखिए जो भी जरूरी काम है, गैर जरूरी काम है, कुछ घर के भी काम हो सकते हैं आपके, तो गैर जरूरी कामों को आप रखे रहिए साइड में, नहीं भी होगा तो अगले दिन होगा, परंतु जो आपका जरूरी काम है, और विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा जरूरी काम उसका शिक्षा होता है। अगर आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है इस जमाने में। इसलिए शिक्षा के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप जीवन में जब भी स्टूडेंट लाइफ में आप जी रहे हो तो शर्त बनाइए। दो तीन शर्त है शिक्षा का। पहला कि आप जब सुबह उठिए एकदम डायरी में नोट करिए जो भी काम आपका है, यहाँ हमें क्या करना है, गैर जरूरी काम को छोड़ दीजिए, जरूरी कामों को डायरी में नोट करिए। अगर डायरी नहीं तो माइंड तो है आपका ना, विद्यार्थी तेज माइंड के हैं, तुरंत बैठा लीजिए कि आज हमको क्या क्या करना है। हो सकता है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई काम हो, टेस्ट का कोई पढ़ाई करना हो, तो उन सब कामों को पहले निपटाइए, फिर घर के कामों को भी करिए। ये नहीं कि घर से बैर कर लीजिए कि हमको घर का काम नहीं करना है, तो भी विद्यार्थी का गुण नहीं होता है। विद्यार्थी का यही गुण है कि सब कुछ देखते हुए, घर परिवार सब कुछ देखते हुए अपना पढ़ाई करते रहे, मगर पढ़ाई को थोड़ा सर्वोपरि रखो, उसको ध्यान दो, ठीक है। और बाकी असफल छात्र एकदम चिंता ना करें, जो छठवां सातवां या किसी भी स्थान पर हो, आप उन सफल छात्रों से बोल दीजिए कि हर शांति के बाद एक बड़ा सा शोर आता है, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा अगली बार दौर आएगा। समझ में आया? बस बस बस। तो आप असफल छात्रों को बता रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हमने भी जीवन में एक बार एग्जाम दिया था नेवी का, पहली बार जब गए तो पास हुए थे, दूसरी बार फेल हो गए। ऐसा थोड़े कि फिर परेशान होगा, क्योंकि पहली बार जो पास हुए थे वो मोटिवेशन था हमारे लिए, तो फिर जितनी बार दिए हर बार रिजल्ट हुआ हमारा, मगर दूसरी बार फेल हुए थे, वो भी दो दो विषयों में, फिजिक्स और मैथ दोनों में फेल हो गए। तो उसके बाद आगे के जितने भी एग्जाम थे सबको हमने पास किया, और आज भी ऐसा ही है। देखो एसएससी जीडी का सबको पता होगा, दो दो बार निकला, पुलिस का एग्जाम निकला, फिर भी अब उस क्षेत्र से हट चुके हैं, क्योंकि फोर्स लाइन को हमने डिसाइड नहीं किया। हमारा उद्देश्य है कुछ बड़ा करना, तो कुछ बड़े के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी इन सब चीजों से इग्नोर करिए और पढ़ते रहिए, और जीवन में निरंतर चलना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण यही है कि निरंतर चलो। कुछ लोग होते हैं कि अभी कोई मौसम आ गया लगन वाला, बारात शादी का मौसम, तो छोड़ देते हैं पढ़ाई, चल जाएंगे मौसिया और घूमने, फुफुआ और घूमे, कई जगह उन सबका रिश्तेदारी घूमना है। और बच्चे ऐसा ऐसा क्लास में सर कहते हैं कि पूरा घर का जिम्मेदारी हमरे ही पर है, हम नहीं जाएंगे तो कैसे होगा हमारा काम, हमको न्योता लिखवाना है, हमको सब करना है। यार क्यों जाते हैं उन सब कामों में? आपका एक बार वक्त आएगा ये सब करने का, परंतु अभी आपकी पढ़ाई का वक्त है, तो पढ़ाई करिए, निरंतर चलिए। आप सुने होंगे कि लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं लगती, सुने है ना? क्यों? क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है, अगर वहीं स्थिर हो जाए तो काई लगेगा, कचरा जमेगा, काम खत्म उसका, उसकी कोई कीमत नहीं है, और लुढ़कता हुआ पत्थर हमेशा चमकता रहता है। इसलिए जीवन निरंतर पढ़ते रहो, कभी रुको नहीं। कहा जाता ना, मैं दरिया हूं जहां से गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा, ये भी लाइन आपने सुना होगा, तो उस दरिया हूं हुनर जानता हूं जहां से जाऊंगा रास्ता बनाऊंगा। उस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, आपके अंदर एक हुनर है, आप कर सकते हैं। आप विद्यार्थी अभी कम उम्र के हैं, आपकी सोच बहुत तगड़ी होती है, इस उम्र के बच्चों की आईक्यू लेवल भी ज्यादा होती है, हम लोगों से ज्यादा आपका आईक्यू लेवल, हम लोगों की सोचने की क्षमता ज्यादा होगी, परंतु आपको याद करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो उस याद करने की जो क्षमता मिली है उस क्षमता को अपना लगाओ पढ़ाई में, अन्य कई जगह आप दिमाग लगाते हैं तो आपका व्यर्थ है, क्योंकि मोबाइल का टेम्पर ग्लास आपको पता होगा कितने दिन का होता है, एक दो चार पांच महीने बाद उसको निकाल कर फेंकना पड़ता है ना। तो अपने जीवन से भी जो भी बुराइयां कुरीतियां उन सबको हटा कर फेंको, सब टेम्पर ग्लास है।
आप स्क्रीन बनने का समस्या बनाओ कि हम स्क्रीन बने मोबाइल का, और जब तक मोबाइल रहे तब तक हमें चलना है। टेम्पर ग्लास की तरह चीजों को अपने साथ, बुराई जो बुरी चीजें हैं, गंदी चीजें, उन सबको हटाओ माइंड से और अच्छे चीजों को एक्सेप्ट करो और पढ़ाई के साथ उसको लगाओ, क्योंकि दोस्त अगर संगत खराब होगा आपका तो बिगाड़ देगा आपको। और खासकर आज जो ज्यादातर बच्चे हैं वो संगति में खराब होते हैं, लड़का और लड़कियां दोनों को कहते हैं, संगति आपका बुरा होगा, आपका मित्र, आपका साथी अगर खराब है तो आपको निश्चित रूप से एक दिन खराब कर देगा। कहा जाता है ना, शरीर का जब एक घाव हो जाता है तो उसको काट के क्या कर दिया जाता है, घाव है अगर खतरनाक कैंसर हुआ तो उसको क्या करो, फेंको, नहीं तो पूरे घाव को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। उसी तरह आपके अगर साथी कोई खराब है, गंदा है, बुरा है तो उसको काट के हटाओ जीवन से अपने, हटाओ, नहीं हटता तो हटाओ उसको हमेशा के लिए, दोस्ती तोड़ दो, जो करना है कर दो, क्योंकि वो भी कैंसर की तरह होता है, धीरे धीरे आपको खराब कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। खासकर लड़कियों से कहेंगे, अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो 12 के बाद तुरंत आपका शादी कर दिया जाएगा, इसलिए पढ़िए, ऐसा रिजल्ट देते रहिए कि गार्जियन आप पर विश्वास करें और आपको आगे पढ़ाने के लिए फोकस करें, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, जहां तक आपको भेजना पड़े आपके गार्जियन भेजें, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे तो आपका शादी विवाह करके अपने अपने घर आपको भेज दिया जाएगा। इसलिए निरंतर पढ़ाई करते रहिए, इन चीजों से बचिए जो बुराई चीजें हैं, और पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। बाकी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद।